नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन में पटना हाई कोर्ट याचिका को सुनकर अंतरिम आदेश दे दे। अब ऐसे में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, जहां शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस नरसिम्हा ने 15 मिनट तक इस मामले को सुना है। तो वहीं कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो याचिकाएं निष्फल हो सकती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान SLP पर विचार नहीं करते हुए हम याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत पर चली सुनवाई के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं। तो वहीं कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे आवेदन दाखिल करने के 3 दिन के भीतर अधिमानतः निर्णय लिया जाना चाहिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हमने गुण दोष के आधार पर कुछ नहीं कहा है और इस पर फैसला उच्च न्यायालय को करना है। तो वहीं जस्टिस ने पटना हाई कोर्ट को 3 वर्किंग डे यानी 3 दिन में जो वर्किंग डे होगा उसके अंदर सुनवाई का आदेश दिया है, जहां पटना में 1 मई को अगली सुनवाई शुरू होनी है। अब ऐसे में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है। अब वहीं ऐसे में बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही ने अपना पक्ष रखा और कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार गणना कराई जा रही है, यह कवायद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार की जा रही है। अब आपको बताते चले कि 15 अप्रैल से शुरू हुआ जातीय गणना, जो कि बिहार के जो मुखिया हैं यानी सूबे के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उन्होंने अपने ही गृह जिले नालंदा से जो बख्तियारपुर के अपने घर से अपने भतीजे अपने बेटे के साथ जो कोड के साथ उन्होंने शुरुआत की थी जातीय जनगणना की, वह भी फिलहाल बिहार में चल रहा है। और आपको बताते चले कि जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय सरकारी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, वो एक क्लास करा लेने के बाद किसी भी समय आकर एक क्लास कराते हैं और उसके बाद से वह पूरे समय जातीय जनगणना के लिए बाहर निकल जाते हैं और पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग राज्य कर्मियों के द्वारा जो कि नियुक्त उस पद के लिए हुए हैं, पद कोई उस चीज़ के लिए नहीं लेकिन जो शिक्षक उस जातीय जनगणना के लिए नियुक्त हुए हैं कि नहीं आपको जातीय जनगणना करना है, वो अपने समय के साथ निकलते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसे में जातीय जनगणना को रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अभी नीतीश कुमार का हाल में ही एक बयान सामने आया जहाँ उन्होंने कहा है कि पहले सभी पार्टियाँ जो थीं वो तैयार थी जातीय जनगणना के लिए और सब कहते थे कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए। फिर केंद्र सरकार जो थी वो भी उनके पास जब बैठ के तमाम जो पार्टी के नेता थे वो बैठ के जब डिस्कस करते थे इस पर, तो वो कहते थे कि नहीं जातीय जनगणना करानी चाहिए। और आज जो लोग हैं इस पर याचिका करके और इसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें बिहार संवाददाता के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।